Hello students, my name is Kujit Gaur. I am lecturer biology in Government Girls Senior Secondary School, Kurali, District SS Nagar. Students, we are doing chapter 5, that is morphology of flowering plants. Today we will study about the structure of the stem and its modification. So let's start. Okay students, in the previous video, we studied about the structure of the root, various functions of the roots and modifications in the root. Today we will study about the next important organ of the flowering plants and that is stem. बच्चे ये डायग्राम हमने पहले भी डिस्कस किया पार्ट्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स. मैंने आपको बताया कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं एंजियोस्पर्म्स हैं उनमें जो बॉडी है उसमें दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं द रूट सिस्टम एंड द शूट सिस्टम. रूट सिस्टम जो है जिसके पास रूट्स हैं और उसकी ब्रांचेज हैं प्राइमरी सेकेंडरी रूट्स हैं वो क्या है रूट सिस्टम है जो कि अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट होता है. और शूट सिस्टम जो होता है जो कि पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है जो लाइट की तरफ ग्रो करता है. तो जो शूट सिस्टम है उस पर स्टेम होगा लीव्स होंगे बर्ड्स हैं फ्लावर्स हैं फ्रूट्स हैं. तो जो शूट सिस्टम है वो क्या है दैट इज उसमें जो मेन एक्सिस है शूट सिस्टम का उसे हम क्या बोलते हैं स्टेम. सो दिस इज द शूट सिस्टम. आपको बहुत क्लियर हो जाएगा शूट सिस्टम जो है पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है लाइट की तरफ ग्रो करता है और जो रूट सिस्टम होता है वो नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होता है वो अवे फ्रॉम लाइट ग्रो करता है. ठीक है. और इसी तरह से जो रूट सिस्टम है मैंने आपको बताया था कि वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होता है ग्रेविटी की तरफ वो नीचे ज़मीन की तरफ ग्रो करेगा. ओके सो बच्चे स्टेम को स्टडी करने से पहले सबसे पहले आपने फ्लावर्स देखे हैं बर्ड्स भी आपने देखे हैं. आप किसी भी प्लांट को जब आप देखते हो तो उसके ऊपर एंजियोस्पर्मिक प्लांट अगर आप देखो तो आपको उसके ऊपर बहुत टाइनी बर्ड्स नज़र आते हैं. तो बर्ड एक्चुअली क्या चीज़ है बच्चे बर्ड इज़ प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ द पिटियोल. कई बार हम देखते हैं कि जैसे हमारा ये स्टेम है और यहाँ पर जैसे लीफ अराइज हो रही है तो इसके जो ये एक्सिल पॉइंट होता है यहाँ पर आपको एक बर्ड नज़र आती है इन सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स बट नॉट इन द एक्सिल ऑफ लीफलेट्स. जब बहुत सारे छोटे छोटे लीफलेट्स बन जाते हैं वहाँ पर नहीं होती. सो ये एक कंडेंस्ड ग्रोइंग इनिशियल पार्ट ऑफ द शूट सिस्टम है. सो बट बच्चे क्या है एक बहुत ही यंग अनडेवलप्ड शूट है. बहुत सी छोटी सी शूट है जो भी प्रॉपरली डेवलप नहीं हुई है उसके पास एक छोटा सा स्टेम है और बहुत सारे टेंडर लीव्स होते हैं जो कि उसको पूरा ऊपर से कवर करके रखते हैं ग्रोइंग एपेक्स को. ठीक है. सो बट क्या चीज़ होगी बट एक यंग अनडेवलप्ड शूट है जिसके पास छोटा सा स्टेम है. इट हैज़ अ स्मॉल स्टेम और उसके ऊपर एक टेंडर ऐसे लीव्स होते हैं जो उसके ऊपर ऐसे आर्क बना देते हैं. सो ये हमारा बर्ड होता है. अगर आप कैबेज को देखते हो कैबेज जो है वो भी एक बर्ड है बट दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लार्जेस्ट बर्ड. सो बर्ड नॉर्मली बहुत छोटे होते हैं बट कुछ बर्ड्स जो हैं वो बहुत बड़े हैं. जैसे कैबेज जो है आप खाते हैं उस जिसे हम पत्ता गोभी बोलते हैं सो वो एक लार्जेस्ट बर्ड है. देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ बर्ड्स. सो कुछ बर्ड्स जो हैं वो वेजिटेटिव बर्ड हैं जैसे टर्मिनल बर्ड्स हो सकते हैं एक्जिलरी बर्ड्स हैं एक्स्ट्रा एक्जिलरी हैं लीफ बर्ड्स हैं और कुछ जो होते हैं वो फ्लोरल बर्ड्स होते हैं. सो नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे. यस बच्चे यहाँ पर मैंने एक डायग्राम लिया है जिसमें मैंने आपको बर्ड्स की अलग अलग पोजीशंस दिखाई हैं. सो आप इस फर्स्ट इसमें फिगर में देखिए कि ये लीफ है और स्टेम है. लीफ के एक्सिल में आपको छोटी सी कम्पैक्ट यंग बर्ड दिख रही है. ठीक है. जिसके पास छोटा सा स्टेम है और ओवरलैपिंग छोटे छोटे लीव्स हैं. सो ये जो है एक बर्ड है जो कि लीफ के एक्सिल में है. सो इसको हम एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं. ठीक है. सेकंड डायग्राम हम देखेंगे यहाँ पर भी एक्सिलरी बर्ड है और ये एक लीफ है. बर्ड्स जो होते हैं वो लीफ के भी एक्सिल में होते हैं. यहाँ पर ये एडवेंटिशियस बर्ड्स दिख रहे हैं. सो ये ब्रायोफिल्लम का लीफ है. इसमें ये जो लीफ के ये जो नॉचेस बनते हैं यहाँ पर ये छोटे छोटे बर्ड्स हैं जो कि प्लांट्स को रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. सो ये आपके डिफरेंट लीव्स हैं और यहाँ पे आपको फ्लावर भी दिख रहा है और छोटे बर्ड्स जो हैं ये भी दिख रहे हैं. सो अब आपको समझ आ गया स्टूडेंट्स के बर्ड क्या है. ओके अब हम आते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक पे दैट इज स्टेम. स्टेम क्या चीज़ है बच्चे वो मेन एक्सिस है शूट सिस्टम ऑफ द प्लांट का. सो इट इज़ द मेन एक्सिस ऑफ द शूट सिस्टम ऑफ द प्लांट. स्टेम डेवलप्स फ्रॉम द प्लिम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ द जर्मिनेटिंग सीड. मैंने आपको रूट बताया कि रूट कहाँ से आता है रेडिकल से आता है. अगर आप बच्चे सीड का स्ट्रक्चर देखते हो तो ये सीड के पास ये कॉटिलिडन्स हैं और ये एम्ब्रियो है.
सो जिस एम्ब्रियो के पार्ट से शूट डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं प्लिम्यूल, और जहाँ से रूट डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं रेडिकल. सो ये जो शूट है वो कहाँ से डेवलप हो रहा है? फ्रॉम द प्लिम्यूल ऑफ द जर्मिनेटिंग सीड. स्टेम के पास नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं. अगर आप स्टेम सिंपल मैं डायग्राम बना रही हूँ तो इसके पास कुछ एरियाज हैं. ये जो एरिया है ये नोड है, दिस इज ऑल्सो नोड, दिस इज ऑल्सो नोड, और दो नोड्स के ही जो बीच में प्लेस है इसे हम बोलते हैं इंटर नोड. तो स्टेम बियर्स नोड्स एंड इंटर नोड्स. ओके नेक्स्ट. द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बॉर्न आर नोन एज नोड्स. तो ये जो मैंने अभी डायग्राम दिखाया था, ये जो नोड पॉइंट है यहाँ से क्या होता है, लीफ अराइज होते हैं फ्रॉम द नोडल पॉइंट्स, और जो पोर्शन बिटवीन द टू नोड्स इज नोन एज इंटर नोड्स. स्टेम शोज नेगेटिवली जियोट्रॉपिक ग्रोथ. अभी मैंने आपको बताया कि स्टेम जो है वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है, बिकॉज स्टेम क्या करती है, ऊपर की तरफ ग्रो करती है, और रूट जो होती है वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है. बट स्टेम जो है वो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होती है, लाइट की तरफ ग्रो करती है, एंड इट डेवलप्स फ्रॉम द प्लिम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो. ओके लेट्स स्टडी द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द स्टेम. स्टेम क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी? स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस, बियरिंग लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट. अगर आप स्टेम देखते हो, स्टेम की बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, ठीक है, वहाँ पे वो लीव को सपोर्ट करते हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं उसके ऊपर, बड आएंगे, फ्लावर आएंगे, एंड इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स एंड फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है. सबसे पहले तो स्टेम वाटर और मिनरल्स के कंडक्शन में हेल्प करेगा. दूसरी बात, स्टेम जो है कई बार ग्रीन होता है तो वो प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने में, अपना फूड मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करता है. कई बार स्टेम के अंदर मॉडिफिकेशंस होते हैं, जैसे हमने रूट में मॉडिफिकेशन देखा, तो कई बार स्टेम में मॉडिफिकेशन होंगे. स्टेम जो है वो फूड स्टोरेज का काम भी करता है, सपोर्ट का काम करता है, प्रोटेक्शन करता है, एंड इवन जो है वो रिप्रोडक्शन में, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी हेल्प करता है. मैंने आपको बताया कि जैसे ब्रायोफिलम में आपने बर्ड्स देखे, सो वो बर्ड्स जो हैं वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमने डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स फीचर देखे कि स्टेम के ऊपर लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट हैं, स्टेम जो है वो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है, स्टेम के पास नोड्स एंड इंटर नोड्स हैं, बड्स हैं, ठीक है, और स्टेम जो है वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है. सो अब हम डिफरेंट, देर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेम्स, लेट्स स्टडी फर्स्ट टाइप. सबसे पहले हम देखेंगे कि जब स्टेम जो है वो बहुत स्ट्रांग है और इरेक्ट है, सीधा स्टेम है, स्ट्रांग है, इरेक्ट है. सो फर्स्ट एग्जांपल जो है बच्चे, इसका कॉल्यूमिनार और कॉडेक्स बोलते हैं इसको, कॉल्यूमिनार और कॉडेक्स. तो ये जो आप स्टेम देख रहे हो, इस टाइप के स्टेम अनब्रांच्ड हैं, कोई ब्रांचिंग शो नहीं करते, इरेक्ट हैं, सीधे हैं, सिलेंडर का शेप का स्टेम है. और अगर आप इसको स्टेम को ध्यान से देखो तो इसके ऊपर आपको इस तरह से स्कार्स नज़र आते हैं. ये जो स्कार्स होते हैं, दे आर द स्कार्स ऑफ द फॉलन लीव्स. जब पत्ते जो हैं वो झड़ जाते हैं तो उसका एक स्कार जो है वो उसके ट्रंक के ऊपर रह जाता है. सो इस तरह का जो स्टेम है, जो अनब्रांच्ड है, इरेक्ट है, सिलेंड्रिकल है, इसे हम कॉल्यूमिनार भी कहते हैं, इसे हम कॉडिक्स भी कहते हैं. इसका एग्जाम्पल है पाम. सो यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हो, इस तरह का स्टेम जो है ये बहुत स्ट्रांग और इरेक्ट स्टेम होता है. सेकेंड टाइप का जो स्टेम है उसको हम कर्म कहते हैं. सो ये सेकेंड टाइप का स्टेम है. इसमें जो है ये बैम्बूज आप देख सकते हो, आपने देखा होगा बैम्बूज जो हैं फैमिली ग्रामिनी के मेंबर्स हैं. सो इसमें जो स्टेम है कल्म में, ये जॉइंटेड स्टेम होता है. इसमें स्टेम कैसे होता है, अभी मैंने बताया कि आपके पास जो स्टेम है उसके पास नोड इंटर नोड्स हैं. तो इसमें जो नोडल पोर्शन है स्टेम का, वो नोडल पोर्शन जो है वो बहुत सॉलिड होता है, लेकिन जो इंटर नोड इन बिटवीन पोर्शन है वो हॉलो होता है. सो स्टेम जो है इसमें भी अनब्रांच्ड होते हैं और बहुत डिस्टिंक्ट, आप देख सकते हो यहाँ पे नोड्स, आपको नोड्स इंटर नोड्स बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट हैं. तो इसमें डिस्टिंक्ट नोड इंटर नोड्स जो है वो नज़र आते हैं, जॉइंट लाइक अपीयरेंस नज़र आता है, एग्जाम्पल इन द बैम्बूस. नेक्स्ट, थर्ड टाइप का स्टेम जो है बच्चे, इसे हम डेलिक्रिसेंट स्टेम बोलते हैं. सो मोस्टली आपने देखा होगा, जैसे आपने बैनियन ट्रीज देखे हैं, या आपने मैंगो देखा है, या आपने नीम ट्री देखा है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड स्टेम्स देखते हैं, ठीक है. सो इसमें कुछ ब्रांचेस जो हैं बहुत विग्रसली ग्रो करते हैं, सो आपको ट्रंक इतना नज़र भी नहीं आ रहा, और पूरा जो है जो ट्री जो है वो ब्रांच्ड स्टेम्स जो हैं उनसे कवर हो जाता है. तो इसमें
मैंगो इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, देन आप शीशम इसका एग्जाम्पल है, राइट? सो ये जो ट्रीज हैं, देन नीम है, सो दे आर डेलिक्विसेंट। सेकेंड टाइप के जो कैटेगरी है, टाइप ऑफ स्टेम है, उसको हम एक्सकरंट बोलते हैं। एक्सकरंट क्या होता है, इसमें कोन शेप, अगर आपने पाइनस देखे हैं तो ट्री, जैसे आप क्रिसमस ट्री देखते हैं, सो ट्री की जो शेप है इस तरह से कोन शेप ट्रीज होते हैं, ठीक है? तो इसमें जो ऊपर जो है वो यंग ब्रांचेज होते हैं, नीचे जो होते हैं वो ओल्ड ब्रांचेज होते हैं, तो ट्री की जो कोन लाइक अपीयरेंस हो जाती है, एग्जाम्पल एज इन द केस ऑफ पाइनस। सो इस तरह का जो स्टेम्स हैं इसको हम एक्सकरंट बोलते हैं। ओके, ये हमने स्ट्रॉन्ग स्मेल्स स्टेम्स देखे, तो स्ट्रॉन्ग जहाँ पे स्टेम है वो कॉल्यूमिनार हो सकते हैं, एक्सकरंट हो सकते हैं, डेलिक्वेसेंट हो सकते हैं, ठीक है? अब हम देखते हैं वो स्टेम के टाइप्स जब स्टेम जो हैं वो वीक हैं, ठीक है? जब बच्चे स्टेम वीक हैं उसमें भी थ्री टाइप्स हैं। फर्स्ट है उसको हम कहते हैं ट्रेलिंग करना या ट्रेलर्स। ट्रेलर्स में क्या होते हैं कि स्टेम बहुत वीक होती है, आप अगर ग्राउंड पे देखें तो इस तरह से स्टेम जो है वो ग्रो करती रहती है और उसके लीव्स जो हैं वो आते रहते हैं, वो ट्रेल करती रहती है ग्राउंड के ऊपर, ठीक है? पर इसमें जो नोडल पॉइंट्स हैं वहाँ पे रूट्स नहीं होते, सो ये स्टेम जो है वो बहुत वीक स्टेम है और जो कि ग्राउंड सरफेस पे ट्रेल करते रहते हैं। एग्जाम्पल इसका ट्राइडक्स है और एव्यूबिलिस। नेक्स्ट है डिफ्यूज, ये आप सेकेंड कैटेगरी है, ये भी बहुत वीक स्टेम्स हैं, इसको हम डिफ्यूज कहते हैं। तो ब्रांचेस ऑफ द स्टेम जो हैं दे स्प्रेड आउट इन ऑल द डायरेक्शन, आप देख सकते हो ये स्टेम है और हर डायरेक्शन में जो है, जैसे अगर यहाँ पे ये मेन स्टेम है तो हर डायरेक्शन में जो है इसकी ब्रांचेज जो हैं वो स्प्रेड हो जाती हैं, इसे हम डिफ्यूज कहते हैं, ठीक है? सो यहाँ पर भी वीक स्टेम का केस है, सो दिस इज एग्जाम्पल है बोरहाविया। नेक्स्ट थर्ड है क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स में क्या होते हैं, वीक स्टेम्स होते हैं, सिंगल स्टेम विच अटैच देमसेल्व्स टू द नियर बाय ऑब्जेक्ट। जैसे कोई प्लांट है आपने देखे हैं, जैसे मनी प्लांट आपने देखा या बोगनविलिया देखा, सो वो उनके पास एक स्पेशल डिवाइस होते हैं, हुक्स होते हैं या टेंड्रिल्स होते हैं, तो उन टेंड्रिल्स जो होते हैं इसी तरह से क्वाइल स्ट्रक्चर्स होते हैं, सो इसकी हेल्प से वो जो प्लांट्स हैं वो अटैच कर लेते हैं अपने आप को नियर बाय ऑब्जेक्ट्स के साथ और फिर ये क्लाइम करते हैं, क्योंकि इनको क्लाइम करने के लिए किसी चीज़ की सपोर्ट की ज़रूरत है, बिकॉज स्टेम जो होती है बहुत वीक होती है, ठीक है? सो एग्जांपल जैसे बोगनविलिया इसका एग्जांपल है जिसमें हुक्स होते हैं, या वाइल्ड पी है उसके पास टेंड्रिल्स होते हैं, तो ये स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि प्लांट्स को क्लाइम करने में हेल्प करते हैं। देन यू हैव क्रीपिंग स्टेम्स, क्रीपर्स, या इनको हम क्रीपर्स भी बोलते हैं। इसमें क्या बात है बच्चे की, जो स्टेम है वो इस तरह से हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रही है, ठीक है? और जो जो उसके जहाँ जहाँ उसके नोड पॉइंट्स हैं वहाँ से वो रूट्स आते हैं, लाइक दिस, ठीक है? नोडल पॉइंट से जो हैं वो रूट्स आते हैं, स्टेम हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगी ग्राउंड के ऊपर एंड गिव्स द रूट एट ईच नोड। सो आप इसका एग्जांपल देखते हो तो ये क्रीपर्स धीरे धीरे होते हैं, जैसे हम क्रीप करते हैं धीरे धीरे चलते हैं, इस तरह से स्टेम जो है वो ग्रो करती रहती है, हर नोड पॉइंट से रूट्स आते रहते हैं और उसके बाद स्टेम जो है वो आगे, जब रूट आएगी, रूट फिक्स होगी तो दोबारा से शूट आ गया, तो इस तरह से प्लांट जो है वो क्लाइंब करता, क्रीप जो है वो करता रहता है, इसे हम बोलते हैं क्रीपर्स। एग्जाम्पल है चार्ली। देन यहाँ पे बच्चे कुछ हमने देखा, स्टेम का बेसिक स्ट्रक्चर देखा हमने, उसके बाद फंक्शंस देखे और कुछ टाइप्स देखे। अब हम कुछ स्पेशल मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे, जैसे हमने रूट में मॉडिफिकेशन पढ़ा तो हम कुछ स्टेम का स्पेशल मॉडिफिकेशंस पढ़ेंगे। तो स्टेम्स जो होते हैं थ्री टाइप की मॉडिफिकेशन शो करते हैं, कुछ अंडरग्राउंड होते हैं, कुछ सब एरियल होते हैं और कुछ एरियल होते हैं, सो वी विल स्टडी देम वन बाय वन। फर्स्ट है मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम, सब एरियल मॉडिफिकेशन। सब एरियल मॉडिफिकेशन जिसमें जो है क्रीपर्स हैं जो कि सॉइल के ऊपर हैं, सब एरियल्स, तो ये जो स्टेम हैं ये बहुत डेलिकेट होते हैं, बहुत थिन हैं, बहुत वीक हैं, ये स्टेम जो हैं वो सीधे नहीं आ सकते, इरेक्ट खड़े नहीं हो सकते, ठीक है? तो इन इन स्टेम्स में क्या होता है कि ये जैसे इसमें यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल है रनर, इन दी स्टेम्स रूट्स डिवेलप एट द लोअर साइड एंड लीव्स एट द अपर साइड ऑफ द नोड्स। तो इसमें स्टेम जो है वो बहुत वीक है, इस तरह से स्टेम है, तो इसमें जो नोडल पॉइंट होता है, तो नोडल पॉइंट्स में क्या होता है, यहाँ से नीचे की तरफ तो रूट्स आ गए, ठीक है, और ऊपर की तरफ क्या होता है, लीव्स ग्रो करते हैं लाइक दिस, ठीक है? इसका नाम ऑक्सैलिस इसका एग्जाम्पल है या डूब ग्रास है। सो ये सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम है,
राइट सो इसमें स्टेम जो होते हैं वो बहुत वीक होते हैं, तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है रनर्स, तो आप ये डायग्राम देख सकते हो. सेकेंड जो है वो स्पेशल कैटेगरी आ गया, ये भी सब एरियन में आएगा, इसको हम कहते हैं स्टोलन, सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम. सो ये क्या है स्टोलन? स्टोलन्स क्या होते हैं बच्चे? इसमें इनिट ब्रांचेस डेवलप फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द मेन स्टेम एंड ग्रो फॉर सम डिस्टेंस लाइक आर्क एंड फाइनली टच द ग्राउंड टू गिव राइज टू द न्यू शूट. जैसे ये आप देख रहे हैं ये ब्रांच है, ये डेवलप कर रही है लोअर पार्ट से, ये एक ब्रांच आई, ठीक है, ये ब्रांच थोड़ा ग्रो करेगी, एक आर्क बना रही है ब्रांच, और उसके बाद फाइनली ये आर्क जो है वो ग्राउंड को टच करेगी, रूट्स आ गए और न्यू शूट सिस्टम डेवलप हो गया. ठीक है, जैसे आपका जैस्मिन है, पेपरमिंट है या वाइल्ड स्ट्रॉबेरी है, तो इसको ये जो आर्क बनता है इसको हम स्टोलन बोलते हैं. ठीक है, आपको ये बात समझ आ गया बच्चे कि इसमें ब्रांचेस जो हैं वो पहले ग्रो करती हैं फॉर सम डिस्टेंस, फिर वो आर्क हो जाती हैं, फाइनली वो ग्राउंड को टच करती हैं एंड गिव राइज टू द न्यू शूट विद द हेल्प ऑफ इट्स टर्मिनल बड. इट ऑल्सो बियर्स द रूट्स एंड गेट फिक्स्ड इनटू द सॉइल. सो दिस इज द सेकेंड सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम, इसको हम कहते हैं स्टोलन. थर्ड है उसे हम कहते हैं सकर. सकर्स क्या होते हैं? इट इज द मेन इन इच द मेन स्टेम ग्रोज इन द सॉइल बट ब्रांचेज डिवेलप फ्रॉम द नोड्स एंड कम आउट फ्रॉम द सॉइल. इसमें क्या है बच्चे कि जो मेन स्टेम है वो उस सॉइल में जाएगी, सॉइल में जाने के बाद उसकी जो ब्रांचेज आएंगी नोड से और ब्रांचेज दोबारा से फिर मिट्टी से बाहर आ जाएंगी, सॉइल से बाहर आ जाएंगी. ठीक है, सो इसे हम कहते हैं सकर्स. सो सकर्स जो होते हैं ये भी रनर्स की तरह होते हैं, तो दे ऑल्सो डिवेलप फ्रॉम द नोड्स ऑफ द हॉरिजॉन्टल जो ब्रांच आ रही है मेन स्टेम की. ठीक है, सो ये मूव करती है हॉरिजॉन्टली बिलो द सॉइल, बिलो द सॉइल जाएगी. इट ऑल्सो डिवेलप फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द स्केली लीव्स. ठीक है, सो इसका जो एग्जाम्पल है कुछ ब्रांचेस जो हैं दे विल कम अबव द सॉइल एंड देन दे प्रोड्यूस द लीव्स टू फॉर्म द एरियल शूट्स. तो इसके एग्जाम्पल जैसे पुदीना में, मिंट में आप इसको देख सकते हो, सकर्स, देन पाइनएप्पल एंड इन द क्राइसेंथेमम्स. देन नेक्स्ट टाइप का जो सब एरियल मॉडिफिकेशन है उसे हम कहते हैं ऑफसेट्स. ऑफसेट्स जो हैं बच्चे ज़्यादातर आपने वाटर हाइसिंथ्स और पिस्टियाज में देखे हैं. ऑफसेट्स में क्या होता है, ऑफसेट इज मोर शॉर्ट होते हैं, थिक होते हैं, ज़्यादातर एक्वेटिक प्लांट्स में हमें मिलते हैं. ऑफसेट में क्या होता है कि एक लीव्स का एक क्लस्टर ऑफ लीफ आपको नज़र आता है नियर द वाटर और ग्राउंड लेवल, और उससे में एडवेंटिशियस रूट्स भी आती हैं वाटर के अंदर, और ये सारा जो नोड पॉइंट होता है जनरली दे अकर इन द एक्वेटिक प्लांट्स. तो इंटर नोड्स जो होते हैं उसमें बहुत स्मॉल होते हैं. ठीक है, दो नोड्स के बीच में जो इंटर नोड्स हैं वो बहुत छोटे हैं, थिक हैं, और हर एक नोड के ऊपर क्या है क्लस्टर, और रोजेट होता है क्लस्टर, क्लस्टर ऑफ लीफ होएगा. तो ये इंटर नोड्स बहुत छोटे हैं, ये नोड्स बहुत पास पास में होते हैं. सो जो नोडल पॉइंट होता है वहाँ पे टफ्ट ऑफ रूट्स आता है और एक यहाँ पे लीव्स का जो है वो क्लस्टर आता है इस तरह से. सो इसको हम कहते हैं ऑफसेट्स. ठीक है, सो ऑफसेट्स जो हैं मोस्टली जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, और मैंने अभी आपको बताया कि जो वाटर हाइसिंथ है या पिस्टिया है उसमें हमें इस टाइप का मॉडिफिकेशन दिखता है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्वेटिक रनर. सो आप ये ऑफसेट्स देख सकते हैं, तो ये जो नोडल पॉइंट है बच्चे इस पे ये रूट्स आ रहे हैं, और ये रोजेट मैंने आपको बताया था क्लस्टर ऑफ लीफ है. सो एग्जाम्पल इसका पिस्टिया है या इसका वाटर हाइसिंथ. नेक्स्ट आ गया लीफ का अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, स्टेम का अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन. स्टेम जो है वो ग्राउंड के अंदर है. सो इस टाइप का जो मॉडिफिकेशन है स्टेम का, नॉर्मली ये स्टोरेज का काम करता है, फूड स्टोर करेगा और साथ में वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में भी हेल्प करेगा. सो सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो आप अपने घर में पोटैटोज देखते हैं बच्चे, पोटैटोज क्या हैं? एक स्टेम मॉडिफाइड है. स्टेम पर ट्यूबर्स जो हैं, जो पोटैटो के आप ट्यूबर्स देखते हैं वो अंडरग्राउंड स्टेम है. सो ये क्या कर रही है? फूड स्टोरेज का काम कर रही है. मोस्टली स्टार्च होता है इसके पास, राइट? सो ये ट्यूबर्स जो हैं, टिप्स ऑफ द ब्रांचेस बिकम स्वोलन इन द सॉइल. और तो अगर आप पोटैटोज देखते हो तो पोटैटोज के ऊपर आपको इस तरह से आईज नज़र आती हैं. सो ये आईज जो हैं ये एक्चुअली यहाँ पे बड्स हैं, एक्सिलरी बड्स हैं विच आर कवर्ड विद स्केली लीव्स. तो अगर आप ये पोर्शन लेंगे और उसको सॉइल में डालेंगे तो ये वेजिटेटिवली प्रोपिगेट कर सकता है, आपको जो है वो न्यू प्लांट मिल जाएगा. सो एक्चुअली जहाँ पे आईज हैं वो स्टेम का नोडल पॉइंट है, नोड्स हैं वहाँ पे, वहाँ पे बर्ड्स प्रोड्यूस होती हैं इन द एक्सिल ऑफ द स्मॉल स्केल लाइक लीव्स.
सो ट्यूबर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं बच्चे, फूड स्टोरेज का काम कर रहे हैं. और इवन जो ये जो ट्यूबर्स होते हैं, अगर आप पोटैटो की स्किन देखो, पोटैटो की स्किन के ऊपर आपको छोटे छोटे लेंटी सेल्स नज़र आते हैं जो कि गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं. सो ये स्टेम का बहुत कॉमन मॉडिफिकेशन है जो आप घर में देख सकते हो, और इसको हम अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम बोलते हैं. सेकेंड आ गया राइजोम. राइजोम जो होते हैं बच्चे, ये डॉर्सी वेंट्रल होते हैं. तकरीबन इनका एक अपर डॉर्सल साइड है और नीचे वाला वेंट्रल साइड है. हॉरिजॉन्टल स्टेम है. सो ये जो राइजोम्स हैं ये फ्लैशी स्टेम है जो कि हॉरिजॉन्टली सॉइल के अंदर ग्रो करेगा. बच्चे आपने हल्दी देखा है, दैट इज़ टर्मरिक, अदरक दैट इज़ जिंजर, कैना इंडिका है, वाटर लिली है, बनाना है. सो इसमें जो स्टेम का मॉडिफिकेशन है उसे हम राइजोम कहते हैं. स्मॉल नोड्स एंड इंटर नोड्स आर फाउंड ऑन इट, दे आर कवर्ड विद द स्केली लीफ. अगर आप जिंजर भी ध्यान से देखो तो आपको इस तरह से नोड्स इंटर नोड्स जो हैं उसके ऊपर नजर आते हैं, एंड इट इज़ कवर्ड विद द स्केली लीव्स. ठीक है. सो ये राइजोम्स जो होते हैं ये स्पेशल जो है फूड स्टोरेज का काम कर रहे हैं. जैसे आप जिंजर यूज़ कर रहे हैं तो नॉर्मली ये बहुत फ्लैशी होते हैं बिकॉज ऑफ द स्टोरेज ऑफ द फूड. सो हॉरिजॉन्टली जो है वो ग्रो करते हैं. सो इसमें कॉमन एग्जाम्पल टर्मरिक है, दैट इज़ करक्यूमा, देन जिंजर है, कैना है, वाटर लिली है एंड बेनाना. सो दे शो स्पेशल अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम, दैट इज नोन एज राइजोम. नाउ थर्ड टाइप का स्टेम मॉडिफिकेशन है, इसको हम कॉम कहते हैं. कॉम जो होता है बहुत शॉर्ट होता है, थिक होता है, अनब्रांच्ड होता है और अंडरग्राउंड होता है. ठीक है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है और ये सॉइल के अंदर ग्रो कर रहा है. आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चे, बड़ा शॉर्ट है, थिक है, अनब्रांच्ड है और ये भी फूड मटेरियल को स्टोर करता है. राइट. सो ये ग्रो करता है वर्टिकली, ये ग्रो कर रहा है और इट इज़ कवर्ड बाय थिन लीव बेसिस ऑफ डेड लीव्स, इनको हम स्केल्स कहते हैं. राइट. सो कॉम का एग्जाम्पल है बच्चे, जैसे आपने अरबी देखी है, कोलोकोशिया है इसका एग्जाम्पल, देन एलोकेशिया इसका एग्जाम्पल है, जिमीकंद आपने देखा है, सेफ्रन है, ये सारे स्टेम का एक तरह की मॉडिफिकेशन है. तो स्टेम जो है ये फूड स्टोरेज का काम करता है, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में भी हेल्प करता है. सो कॉम जो होते हैं मोर और लेस एक तरह से राउंड इन शेप होते हैं. ठीक है, और समवॉट फ्लैटेंड भी होते हैं फ्रॉम टू बॉटम. सो इसके एग्जाम्पल आपने क्या करना है, एलोकेशिया है, देन इसका एग्जाम्पल कोलोकेशिया है, देन इसका एग्जाम्पल जिमीकंद है. सो ये सारे क्या है, स्टेम मॉडिफिकेशन है अंडरग्राउंड, एंड दिस इज नोन एज कॉम. सो नेक्स्ट हमारे पास आ गया नेक्स्ट मॉडिफिकेशन बच्चे, दैट इज नोन एज बल्ब. सो बल्ब्स जो हैं ये भी शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम है विथ फ्लैशी लीफ बेसिस, जिसे हम स्केल कहते हैं. सो स्टेम जो है इसमें बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड है, छोटी सी स्टेम है डिस्क लाइक, और उसके बाद बहुत सारे फ्लैशी लीव्स हैं. आपने अनियन देखा है बच्चे, सो अनियन के ऊपर ये जो आपको फ्लैशी जो आप लीव्स उतारते हैं, सो उसके नीचे इसका स्टेम होता है जो बहुत रिड्यूस्ड होता है. ठीक है, सो उसको हम कहते हैं बल्ब. तो गार्लिक में भी जो है स्टेम मॉडिफिकेशन, उसको हम बल्ब कहते हैं. अनियन जो है उसमें भी बल्ब्स होते हैं. सो इसमें ये जो है मोस्टली स्टेम इतना छोटा होता है कि आपको स्टेम नज़र नहीं आता, उसके ऊपर बहुत सारे फ्लैशी लीव्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं. सो अपर साइड पे आपके टर्मिनल बड्स होते हैं जो कि लीव्स जो हैं उनको सराउंड करते हैं, आपको वो नज़र नहीं आते, और नीचे जो हैं आपको इसके रूट्स दिख रहे हैं. सो आप ये देख सकते हो, जैसे अनियन है, ये जो इसके लीव्स स्केली लीव्स हैं, तो ये उसके जो कवर्स आपको दिख रहे हैं इसको हम ट्यूनिक्स कहते हैं, और ये नीचे बेसल प्लेट है, यहाँ पर आपको रूट्स दिख रहे हैं. सो ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है स्टूडेंट्स, जिसको हम अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में हमने ट्यूबर्स देखे, राइजोम देखा, कॉम देखा, एंड दिस इज नोन एज बल्ब्स. तो फ्लैशी लीव्स ऑफ अनियन एंड गार्लिक दे स्टोर द फूड. ओके, नाउ नेक्स्ट हम कुछ करने जा रहे हैं. अब हमने सब एरियल भी करा, अंडरग्राउंड भी करा, अब नेक्स्ट बच्चे हमारे पास क्या आ गया कि एरियल मॉडिफिकेशंस आ गए स्टेम के अंदर. स्टेम जो है कुछ एरियल मॉडिफिकेशंस भी शो करते हैं. फर्स्ट एग्जांपल जो है वो हमारे पास आ गया टेंड्रिल्स. टेंड्रिल्स जो होते हैं क्या होते हैं, इन दिस टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन एक्सिलरी बड दे फॉर्म द टेंड्रिल्स इन प्लेस ऑफ ब्रांचेस. जहाँ पे एक्सिल में बड्स हैं, सो आप ये एग्जांपल देख सकते हो बच्चे, लीफ के एक्सिल में जो बड थी, ब्रांच नहीं बना रही और वो क्या कर रही है, स्पेशल स्ट्रक्चर्स बना रही है जिसे हम बोल रहे हैं टेंड्रिल्स. टेंड्रिल्स क्या होते हैं बच्चे, थ्रेड लाइक ग्रीन कलर के, थ्रेड लाइक क्वाइल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं.
They are green thread-like, very sensitive structure, and they can coil around the support. सपोर्ट करते हैं, कॉइल अराउंड कर लेते हैं और हेल्प करते हैं वीक शूट्स को टू क्लाइंब अप. सो टेंड्रिल्स जो हैं दे आर मॉडिफाइड स्टेम्स हैं यहाँ पे, ठीक है. सो इसमें एक्सिलरी बर्ड क्या कर रही है, वो टेंड्रिल्स बना रही है इन प्लेस ऑफ ब्रांचेस एंड दे हेल्प इन द क्लाइंबिंग ऑफ दोज प्लांट्स विच हैव वेरी वीक स्टेम. तो स्टेम अपने ग्रेप्स में देखा है, ग्रेप्स में आपने देखा है क्लाइंबर्स हैं, तो वहाँ पे वो टेंड्रिल्स होते हैं. टेंड्रिल्स जो हैं उनको सपोर्ट करते हैं और उसको आगे क्लाइंब करने में हेल्प करते हैं. सो ये वाटरमेलन में भी है, गोर्ड बिटर गोर्ड में है, पैसिफ्लोरा में है. सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे स्टेम जो है वो एरियल मॉडिफिकेशन शो कर रही है एंड दैट इज द टेंड्रिल्स. नाउ नेक्स्ट बच्चे हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ गया जिसे हम कहते हैं फाइलोक्लेट. फाइलोक्लेट जो स्ट्रक्चर है मोस्टली बच्चे आपने देखा होगा कि ग्रीन कलर का, आपने स्कूल्स में भी देखा होगा, आपने इस तरह से ओपंशिया देखा. सो ओपंशिया जो है इस तरह से एक फ्लैशी फ्लैट सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो है इसे हम फाइलोक्लेट्स कहते हैं. ये ग्रीन कलर का होता है, फ्लैट होता है, ये स्टेम है विच टेक्स द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ ए लीफ. यहाँ पे ग्रीन कलर का स्टेम है जो क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है. स्टेम जो है वो ग्रीन है और इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑन फोटोसिंथेसिस. इसके ऊपर भी नोड्स, इंटर नोड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. सो फाइलोक्लेट्स जो है मोस्टली जो जीरोफिटिक प्लांट्स हैं जो डेजर्ट्स में ग्रो करते हैं, हार्श एंड हॉट क्लाइमेट में ग्रो करते हैं, उसमें हमें क्या है फाइलोक्लेट्स जो हैं वो दिखते हैं, ठीक है. सो इसमें जो आप लीव्स देखेंगे तो लीव्स जो हैं वो स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, तो लीव मॉडिफाइड हो गए स्पाइन्स में और स्टेम जो है वो फ्लैट स्ट्रक्चर बना रही है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस. देन उसके बाद स्टेम थॉर्न्स आ गए. स्टेम थॉर्न्स जो हैं वो एक्सिलरी बर्ड से, ये जो आपको कांटे दिख रहे हैं इसको हम थॉर्न्स कहते हैं. ये एक्सिलरी बर्ड से भी आते हैं और टर्मिनल बर्ड से भी आते हैं. दे मे बियर लीव्स एंड फ्लावर्स, ठीक है. जैसे आप बोगनविलिया में देख सकते हो यहाँ पर भी आपको थॉर्न्स शो किए गए हैं. सो ये थॉर्न्स जो हैं ये भी एक एरियल मॉडिफिकेशन है, इनको हम स्टेम थॉर्न्स कहते हैं. दे अपीयर फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड्स, ठीक है. बहुत शार्प और पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं. सो ये कई बार ये प्रिकल्स होते हैं जो कि सुपरफिशियल आउटग्रोथ को भी रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये प्रिकल्स हैं बच्चे, वो थॉर्न्स हैं, ये प्रिकल्स हैं, ठीक है. वो जो थॉर्न्स क्या होते हैं, जो मतलब ये थोड़े शार्प पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं. थॉर्न्स जो होते हैं वो डीप सीटेड होते हैं, इनके साथ वास्कुलर कनेक्शन भी होता है. पर अगर जो प्रिकल्स जो होते हैं, प्रिकल्स जो एपिडर्मिस है उसमें से ऐसे आउटग्रोथ आते हैं, एपिडर्मिल जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम प्रिकल्स कहते हैं. सो ये सुपरफिशियल आउटग्रोथ होते हैं एपिडर्मिस के, ठीक है. सो ये डेवलप फ्रॉम द कॉर्टेक्स एंड एपिडर्मिस एंड फाउंड एट द नोड्स और इंटर नोड्स. सो ये जो हैं क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है. इस रोज के अंदर आपने देखे हैं प्रिकल्स एंड हुक्स होते हैं, स्माइलेक्स हैं. सो ये भी स्टेम का क्या है, मॉडिफिकेशन है. देन नेक्स्ट स्ट्रक्चर आ गया बच्चे, इसे हम कहते हैं स्टिप्यूल्स. स्टिप्यूल्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे लीव्स हैं जिसके पास लीव्स के जो बेस है वहाँ पे एक छोटे छोटे अपेंडेज होते हैं. अगर आप ये लीफ देख रहे हो तो यहाँ पर आपको ये ग्रीन कलर के छोटे छोटे अपेंडेज दिख रहे हैं. सो इसको हम बोलते हैं स्टिप्यूल्स, ठीक है. सो लीव्स ऑफ सम प्लांट्स जो हैं दे हैव लेटरल अपेंडेजेस ऑन ईदर साइड ऑफ लीफ बेस. लीफ बेस के दोनों साइड्स में हैं, इसे हम कहते हैं स्टिप्यूल्स. तो जिस लीफ के पास स्टिप्यूल है उसे हम स्टिप्यूलेटेड लीफ कहते हैं. एग्जाम्पल फेबेसी मेंबर्स हैं. और कुछ लीव्स ऐसे हैं जिनके पास स्टिप्यूल एब्सेंट है, नहीं होता, उसको हम एक्स स्टिप्यूलेट लीफ कहते हैं. एग्जाम्पल्स मेंबर्स ऑफ फैमिली सोलेनेसी और लिलिएसी. ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टूडेज लेक्चर. आज बच्चे हमने स्टेम का स्ट्रक्चर, स्टेम के फंक्शन और उसकी मॉडिफिकेशन स्टडी की. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.